डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन तो हम क्या प्लस वन लेवल से ही लगाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन का यूज तब से ही हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन सिस्टेमैटिक मैनर। ये डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की। देखो इस डेफिनेशन में हर चीज का एक मीनिंग है। देखना डेप्रिसिएशन क्या है, उसकी कॉस्ट को, किसकी कॉस्ट को, डेप्रिसिएबल असेट्स की कॉस्ट को कैसे बांट देगी, उसकी लाइफ में। कौन सी लाइफ, यूजफुल लाइफ। कैसे, सिस्टमेटिक मैनर से। हर चीज का मीनिंग है। डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जो कि कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स को किसमें बांटने की, उसकी यूजफुल लाइफ में। कैसे, सिस्टेमैटिक मैनर से। तो क्या करते हैं आप डेप्रिसिएशन, जैसे मान लो 10 लाख की असेट्स है, एसएलएम मेथड हो, हर साल 2 लाख पीएनएल में लगाते हैं, तो 10 लाख खत्म हो जाता है हर साल थोड़े थोड़ा आगे, तो 10 लाख रुपए 5 साल में डिवाइड हो गया, उसकी कॉस्ट यूज करोगे तो पुरानी तो होगी ना, 10 लाख रुपए की असेट खत्म होगी तो नुकसान है ये, तो 5 साल में 2-2 लाख डाल देते हो, तो बांट देते हो उसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ में। तो यहां पे कॉस्ट से मतलब क्या है, यहां जो मेरा मीनिंग है कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब एक्चुअल परचेज कॉस्ट प्लस परचेज रिलेटेड खर्चे, उसमें ऐड इवन टैक्सेस वगैरह भी ऐड, अगर कोई क्रेडिट मिलना है, इनपुट क्रेडिट मिलना है टैक्स का, कोई जीएसटी वगैरह का, तो लेस कर लो, बस लेस कर लो। और इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज, जब तक वो मशीन वगैरह काम पे ना लग जाए तब तक का इंटरेस्ट भी कॉस्ट में ऐड होता है। मतलब जैसे मान लो बॉम्बे से मशीन खरीदी, वो खरीदी 10 लाख की है, 10% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कितने की खरीदी, 9 लाख, टैक्स लगा मान लो उसके ऊपर जो एडजस्ट नहीं होना अपने को, जेब से गया 50,000 जोड़ दो, ट्रक का किराया जोड़ दो, रास्ते का इंश्योरेंस जोड़ दो, मशीन की लोडिंग अनलोडिंग जोड़ दो, यहां आके इंस्टॉल करवाई, इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी, एक्सपर्ट के पैसे भी ऐड कर दो, कर्ज लेके मशीन खरीदी, 2 महीने लग गए उसे काम पे लगाते लगाते, क्योंकि मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं, फिट करवानी पड़ती हैं, चला चला के देखनी पड़ती हैं, 2 महीने इंटरेस्ट लगता रहा, वो इंटरेस्ट भी जोड़ दो। इंटरेस्ट कब तक का जोड़ना है, जब तक वो रेडी ना हो जाए। सपोज एक बिल्डिंग बना रहा है बंदा, कर्जा लेके बिल्डिंग, दुकान की बिल्डिंग बना रहा है लोन लेके, बिल्डिंग लोन तो शुरू में ही ले लिया, मान लो 1 अप्रैल 2021 को, बिल्डिंग बनते बनते 10 महीने लग गए, तो 10 महीने का इंटरेस्ट किस में जोड़ दो, बिल्डिंग में। जब बिल्डिंग बन गई उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस है, कहां जाएगा, पीएनएल। हर साल की बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस कहां जाती है, रेवेन्यू, पीएनएल। कार खरीदी, कार की रिपेयर हर साल कहां जाएगी, पीएनएल। लेकिन कार खरीदी, कार का नंबर लिया, इस तरह के खर्चे, ट्रायल के खर्चे, क्या होगा, कैपिटलाइज। तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर थोड़ी सी हेल्प करता है कॉस्ट का मीनिंग बताने में। चलो फिर डेप्रिसिएबल असेट्स का मीनिंग क्या है, क्या होती हैं ये डेप्रिसिएबल असेट्स, देखना क्या है ये डेप्रिसिएबल असेट्स। डेप्रिसिएबल असेट्स जिनकी लाइफ क्या हो, ओवर 1 ईयर बट हैविंग लिमिटेड लाइफ, जिनकी लाइफ लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, होल लिमिटेड लाइफ, ऐसी चीजों को डेप्रिसिएबल असेट्स में रखा गया। जैसे मशीन खरीदी, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, हाँ, पर क्या हजारों साल है, ना, मशीन की लाइफ 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल, तो ऐसी लाइफ लिमिटेड हो तो उन पे डेप्रिसिएशन लगाते। कैमरा डेप्रिसिएबल असेट्स है, लाइफ 1 साल से ज्यादा बट है कोई 5 7 8 साल, लैपटॉप कंप्यूटर ये भी सब डेप्रिसिएबल असेट्स हैं, पर सामने पार्किंग वाला प्लॉट डेप्रिसिएबल असेट्स है नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है बट क्या है, अनलिमिटेड। हमें कौन सी चीजों पे डेप्रिसिएशन लगाना है, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो बट हो क्या, लिमिटेड। लैंड की लाइफ तो क्या है,
ये लैंड गायब हो जाएगी क्या 10 20 50 साल बाद? लैंड तो वहीं रहेगी, इसी लैंड की लाइफ क्या है? बिल्डिंग पे लगाते हैं, लैंड पे नहीं। वो जो लैंड एंड बिल्डिंग कट्ठा है ना, उसमें भी गलत लगाते हैं जो कट्ठे पे लगाते हैं। मान लो एक बंदे ने शॉप खरीदी 50 लाख, 50 भी लगा लेता है, गलत है वो? प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है। किसी ने चेक किया तो आपको ऑब्जेक्शन करेगा वो? लैंड अलग करो, बिल्डिंग अलग। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगता है ना कि लैंड। अगर उस दुकान की 30-35 लाख की बिल्डिंग लैंड है, 15 की बिल्डिंग, तो ओनली 15 लाख डेप्रिसिएबल असेट है, डेप्रिसिएशन उस पे लगना चाहिए। लाइफ स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, घोड़े बैल वगैरह पे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ सर्टेन ही नहीं है, कब मर जाए कोई पता है? तो उनकी लाइफ सर्टेन नहीं, इसलिए उनको डेप्रिसिएट करना मुश्किल है। उनका तो एक ही तरीका होता है, मान लो ये लाइफ स्टॉक है आपके पास, कैमल है, घोड़े बैल खच्चर 10 लाख रुपए के हैं, साल के एंड में, ईयर एंड पे इनकी नेट रियलाइज वैल्यू देख लो, NRV ऑफ लाइफ स्टॉक क्या है? इनकी नेट रियलाइज वैल्यू पता किया बाजार में 8.5 से ज्यादा के नहीं है। पुराने हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये भी तो बुढ़े होते हैं, वैल्यू कम होती है इनकी। देखा नहीं आपने हॉर्सेस रोड पे दौड़ रहे होते हैं, घोड़े, घोड़ा लाखों रुपए का है और वो बेचारों को ऐसे छोड़ दे। एज होती है इनकी काम करने की, बुढ़े हो गए, वो सामान खींच नहीं सकते, अब खिलाना पड़ेगा फ्री में, अब उम्र होगी मरेंगे, अब तो ऐसा होता है ना, उम्र होती है 15 साल 18 साल, लगभग वो उम्र आ गई ओल्ड एज, तो उसका मालिक छोड़ देता है उसको, भैया जा ऐश कर, आजाद आजाद बेचारा क्या सड़कों पे धक्के खा रहा है? क्यों? क्योंकि अब वो माल ढोने लायक नहीं रहा, कौन खरीदेगा उसे? तो वही चीज है कि भाई लाइफ स्टॉक जो होता है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उनका तो एक ही तरीका है, डिफरेंस देखो कहां डाल दो, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। यही फॉरेस्ट्री का होता है, सेम जंगल है, पेड़ पौधे, तो फॉरेस्ट्री का भी यही होता है भाई, NRV देख लो, डिफरेंस लॉस। कोई कहता है वैल्यू बढ़ जाए, तो अक्सर बढ़े हुए को फायदा नहीं मानते, इग्नोर कर देते हैं, अक्सर बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर वही बात है, ज्यादातर कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हुए वैल्यू बढ़ जाए तो फायदा नहीं मानते, छोड़ दो, 10 लाख भी दिखा दो, 11 होगी तो भी, लेकिन गिर गई तो नुकसान P&L में डाल दो। P&L में क्या लिखोगे? 2 लॉस ऑन लाइफ स्टॉक 1.5 लाख, कितना रह जाएगा बैलेंस शीट में? 8.5। तो डेप्रिसिएबल वो है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। ये डस्टर डेप्रिसिएबल असेट्स है क्या? डस्टर मार्कर नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं, ये तो कुछ घंटों के या 1-2 दिन के मेहमान है, तो ये क्या है? डेप्रिसिएबल असेट नहीं। क्लियर? ये कंज्यूमेबल आइटम है, कहां डालो? P&L। तो डेप्रिसिएबल असेट्स क्या है? वो यूजफुल लाइफ, जब तक वो क्या है, इक्वल आउटपुट दे, इक्वल आउटपुट दे टिल इट प्रोवाइड्स सिमिलर आउटपुट, इक्वल कह लो सिमिलर, जब तक वो सही आउटपुट दे तो वो लाइफ है। एक कार है, चल रही है और बड़ी एवरेज ठीक दे रही है, टाइम के साथ एक आधी एवरेज कम ज्यादा होने पे कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो लाइफ है। लेकिन मान लो कि वो जैसे फोटोस्टेट की मशीन है, ठीक है, वो या स्कैनर है कोई, प्रिंट या कलर्ड फोटोस्टेट की मशीन है, प्रिंटर है, वो लाइफ नहीं मानी जाएगी। कि मान लो कि बंदे का फोटो निकालना है, डाला और उधर से क्या स्कल ही निकल रहा है बंदे का, आउटलाइन, बीच का कुछ ही नहीं आ रहा, तो मतलब वो काम की नहीं रही। ऐसी रखे रखो तो कोई खुल जा, सिम सिम गायब थोड़ी होना है, कुछ गायब होना है क्या? ऐसी है 50 साल बाद गायब हो जाएगा क्या? यहां से काम नहीं आएगा ये लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ तो कबाड़ में रहेगी, पर इकोनॉमिक लाइफ नहीं देखनी। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है जब तक वो कौन सा आउटपुट दे, सिमिलर, सेम आउटपुट दे, लगभग सेम दे, तब तक लाइफ है। इसलिए लाइफ इतनी ज्यादा ना सेट कर लेना, ठीक है ना। एक बिल्डिंग की लाइफ क्या समझते हो? यही 30 साल 40 साल 35 साल, बस जो भी है। एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, हमें नहीं पता, एक्सपर्ट पूछे बताएगा, जैसे आर्किटेक्ट टाइप के लोग हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह, वो बता देंगे। गाड़ी का क्या है, गाड़ियों का मैकेनिक है, एक्सपर्ट बता देगा कितनी लाइफ है। उसके बाद तो पता लगा, रोज बोनट उठा के खड़े हैं रास्ते में आप, ऐसे ही होता है। ज्यादा पुरानी हो जाए तो पता क्या, जगह जगह खराब होगी, बंदा आधा मैकेनिक खुद बन जाता है, बीच में ये प्रॉब्लम आ गई, फोन पे वो कहता है ऐसे इसमें पानी डाल दे, इसमें ये कर दे वो कर दे, तो वो लाइफ थोड़ी है। उसकी लाइफ क्या हो चुकी है? खत्म। ऐसे तो मतलब यूजफुल लाइफ होती है जब तक वो सिमिलर आउटपुट दे। ऐसा है, लाइफ डिसाइड करनी है एक्सपर्ट से पूछ के, हमें थोड़ी पता है, हम तो अकाउंटेंट है, हम कोई मैकेनिक या मोटर इंजीनियर थोड़ी है। तो दूसरी बात, मान लो जिस चीज का आपका बिल्डिंग की लगानी है तो एक्सपर्ट से पूछ लो, सिविल इंजीनियर से पूछ लो। दूसरी बात, लाइफ डिसाइड करते वक्त नई टेक्नोलॉजी को भी माइंड में रखना।
कई बार नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, ऑब्सोलेसेंस, उसकी ऑब्सोलेसेंस की वजह से भी वैल्यू क्या होती है, डाउन। मान लो कैमरे थे वो पुराने जो जिसमें रोल डलता था, जमाना ही निकल गया वो। मैं कर आम आप लोगों के घर में भी, शायद मेरे घर में भी दो एक कैमरे ऐसे पड़े हों, वो कहीं इधर उधर कोने में, फेंकने का मन भी नहीं करता, चलो पड़े हैं, और कभी ध्यान पड़ता है बाई चांस, क्यों, रोल डलता था, फोटो खींचो 25-30, फिर उस फोटो उसको डेवलप करवाओ, खराब भी हो जाती थी। अब बढ़िया डिजिटल पे वो कहते हैं खींच दे, 5 खींच देते हैं, क्या कोई नहीं, अपने आप देखते रहना कौन सी रखनी कौन सी नहीं, डिलीट मार देंगे, यही है ना। वैसे फोटो डेवलप भी कौन करवाता है आजकल, तो वैसे ही रख लेते हैं, अपना चिप में डालो किसी पेन ड्राइव। तो वो कैमरा बेकार हो गया ना, ना आज भी फोटो खींच सकता है वो कैमरा रोल वाला, लेकिन उसकी लाइफ खत्म समझो, क्योंकि उसका जमाना गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। सरकार की रिस्ट्रिक्शन को भी माइंड में रखना लाइफ सेट करते वक्त, क्यों, क्योंकि मान लो दिल्ली में आपने डीजल कार ले ली और आप उसकी लाइफ 20 साल सेट कर लो, गलत, दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी कार डीजल की चल ही नहीं सकती, बैन है, जब्त हो जाएगी। पेट्रोल वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं घुस सकती, जब्त हो जाएगी। तो आप लाइफ सेट करते वक्त गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन को भी माइंड में रखना, और वैसे लाइफ हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है कि आपका रिपेयर पॉलिसी क्या है। कई लोग बड़े हौसले वाले होते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं रिपेयर पे, बदलते नहीं, बाइक खराब होगी पता 5,000 रुपये लग रहा है खर्चा, लगा दो, फिर 3,000 लगा दो, अगर आपकी रिपेयर पॉलिसी ज्यादा एक्सटेंडेड है भी लगा दो, फिर तो लाइफ क्या होगी, नेचुरल है ज्यादा। अगर आपका रिपेयर पे खर्च करने का ज्यादा मन नहीं है तो आपकी लाइफ क्या होगी, सेट्स की, समझ आई बात। तो यूजफुल लाइफ इन चीजों पे डिपेंड करती है, सिस्टमैटिक मैनर, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे ज्यादातर मेथड कौन से चलते हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV। स्ट्रेट लाइन में हमेशा डेप्रिसिएशन बराबर चलता है, और WDV में क्या, ईयर आफ्टर ईयर कम होता चला जाता है, ऐसे होता है। मेथड तो आपको आते ही है, स्ट्रेट लाइन, WDV, ओके। तो चलो ये मेथड, इसके अलावा कुछ और मेथड है बात करूंगा, अच्छे मेथड कौन से, WDV, क्योंकि WDV में क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर, मान लो ये डेप्रिसिएशन क्या होता चला जाता है, कम, मान लो 10, 8, 6, 4, 2, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है ये डे बाय डे, मशीन पुरानी होती है ये बढ़ता चला जाता है, ऐसे होता है ना। प्रैक्टिकली देखो तो बर्डन लगभग लगभग शुरू के सालों में और लास्ट के सालों में रिपेयर प्लस डेप्रिसिएशन का क्या रहता है, सेम। कोई पूछ लेना क्यों डेप्रिसिएशन इज फार बेटर देन SLM, वो कारण तो है ही है कि सर पुरानी वैल्यू हो जाती है, वैल्यू कम होगी तो कम डेप्रिसिएशन, वो तो इधर उधर की बातें होगी चलो, लेकिन मेन बात यह है कि डेप्रिसिएशन WDV पे लगाने पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर के खर्चे का बर्डन लगभग इक्वल रहता है। देखो ये रफ आइडिया है, हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता जा रहा है, कम, चीज जैसे जैसे पुरानी होगी रिपेयर का खर्चा क्या होता जाता है, ज्यादा। रिपेयर प्लस डेप्रिसिएशन का बोझ P&L में क्या आता है, लगभग लगभग शुरू में और लास्ट में ब्रब, शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा रिपेयर कम, लास्ट के सालों में रिपेयर ज्यादा डेप्रिसिएशन कम बराबर। जबकि SLM में क्या होगा, ये रिपेयर ऐसी ही रहेगी, डेप्रिसिएशन बराबर होने की वजह से शुरू में बर्डन कम दोनों चीजों का, लास्ट में क्या होगा ज्यादा। इसी बेटर कौन सा है, WDV बेटर है। डेप्रिसिएशन लगाने का सही पर्पस क्या है, एक तो सही प्रॉफिट एंड लॉस जानना, फाइनेंशियल पोजीशन सही जानना, वो सब सेकेंडरी है, सबसे जरूरी है पैसे का इंतजाम करना। मान लो एक असेट है, मान लो 10 लाख की 5 साल की लाइफ है, तो 5 साल बाद नई नहीं लेनी आपने, 5 साल की लाइफ, मान लो SLM मेथड है, तो आप हर साल P&L में क्या लगाओगे, 2 का क्या लगा दोगे, नेट प्रॉफिट कितना आ गया मान लो आपका 3 लाख, अगले साल फिर 2 लाख लगाओगे, नेट प्रॉफिट कम, इससे पैसे का इंतजाम कैसे होता है, इनडायरेक्टली। सुनो, कई बार माइंड में आता है डेप्रिसिएशन से पैसे का इंतजाम कैसे होगा, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसा है, डेप्रिसिएशन से पैसे का इंतजाम इनडायरेक्ट होता है, कैसे, अगर डेप्रिसिएशन ना होता तो इस कंपनी के प्रॉफिट कितने होते, 5 लाख, लोगों में डिविडेंड टैक्स वालों को चला जाता, टैक्स कितना बढ़ता, 5, अब डेप्रिसिएशन लगने से प्रॉफिट कितना रह गया, 3, इनकम टैक्स वालों को या शेयर होल्डर को कितना बटेगा डिविडेंड, 3 लाख, एक तरह से कंपनी की पॉकेट में जो 5 जाना था कितना गया, 3, इनडायरेक्टली आपके पास कैश रुक गया ना 2 लाख, हर साल 2-2 लाख इनडायरेक्टली बटने से बच जाएगा, रुक जाएगा, और 5 साल में कितना पैसा जेब में रुक जाएगा, 10 लाख,
कल को आप असेट को क्या कर लेना, नहीं ले लेना, रिप्लेस कर लेना। यानी डेप्रिसिएशन लगाने का प्राइम एम क्या है, फर्स्ट एम क्या है, टू अरेंज फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। असेट नहीं नहीं लेनी कुछ सालों बाद, उस पैसे का इंतजाम करना सबसे प्राइम पर्पस है डेप्रिसिएशन लगाने का। सही है, बोलो कोई डाउट? चलो, तो ये डेफिनेशन थी, याद रख लोगे ना। डेप्रिसिएशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ क्या, बांटने की, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट, डेप्रिसिएबल असेट्स की, किसमें, यूजफुल लाइफ में, कैसे, सिस्टेमेटिक मैनर से। हर चीज का मीनिंग था, और ये कॉस्ट को बांटने का प्राइम एम पैसे का इंतजाम करना है। चलो, वैसे एसएलएम फॉर्मूला कैसे बना और डब्ल्यूडीवी कैसे बना देखना। मान लो मैं ऐसे कहता हूं, एसएलएम का डेप्रिसिएशन लगाना है परिणम, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, परिणम कॉस्ट माइनस स्क्रैप, एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में यूजफुल लाइफ। फिर एसएलएम डेप्रिसिएशन की अगर परसेंटेज ढूंढनी है तो क्या करो, डेप्रिसिएशन परिणम को किससे डिवाइड कर दो जो ऊपर है, अपॉन कॉस्ट से, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। और जबकि ये तो कौन से का फॉर्मूला है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे आती है, डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैसे आती है, उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। सीधा परसेंटेज ही आ जाएगी डब्ल्यूडीवी की, कैसे, फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट स्क्रैप अपॉन में कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब क्या है, लाइफ, स्क्रैप आपको पता ही है, कॉस्ट आपको पता है। एक एग्जांपल लूं, लेट कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है, लाख रुपए, एस्टीमेटेड स्क्रैप एक्सपर्ट ने बताया 25 की बिक जाएगी, लाइफ यानी कि n कितनी है, 2 साल, लगाओ फॉर्मूले में, मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दी आपको, लगाओ, आप यहां लगाओ पहले, तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट, पहले लगाओ एसएलएम का ए पार्ट बी पार्ट, पार्ट ए बी लगा के करो, चलो नाम नहीं देता, लगाओ एसएलएम डेप्रिसिएशन परिणम कितना आ जाएगा, बोलो, कॉस्ट कितनी, लाख, स्क्रैप कितनी बचेगी, 25 डिवाइडेड बाय 2 ईयर, 37,500 परिणम क्या गया, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और अगर एसएलएम डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी है एनुअल, तो आप क्या करो, डेप्रिसिएशन परिणम 37,500 को किससे डिवाइड कर दो, कॉस्ट 1,00,000 से इनटू 100, तो कितना गया, 37.5%। चेक कर ले, कर लो चेक, लाख रुपए पे लगाओ डेप्रिसिएशन, 2 बैंक लाख रुपए माइंड में बनाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट में 2 बैंक लाख रुपए की मशीन, साल के एंड में बाय डेप्रिसिएशन कितना, 37.5%, कितना, 37,500, कितने की रहेगी, 62,500। अगले साल फिर 62,500 पे नहीं, किस पे लगाना है आपने, 1,00,000 का 37,500, कितनी बचगी, कबाड़ के बराबर 25,000, कबाड़ के बराबर बचगी ना 25, एसएलएम हो गया। अब आ जाओ डब्ल्यूडीवी, क्वेश्चन यही है, डब्ल्यूडीवी की परसेंटेज निकालते हैं, क्वेश्चन यही है क्या, 1 माइनस nth रूट 2 स्क्रैप कितनी, 25, कॉस्ट कितनी, 1,00,000, इसको रेस टू पावर लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/4 रेस टू पावर 1/2, या रूट कर दो, या रेस टू पावर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो 1/2, तो 1 माइनस इसका 1/2, 1/2 ही हो जाएगा, 1/2, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 आ गया, तो इसको 50% लिख सकता हूं, कोई फर्क थोड़ी है, 0.5 लिख लो या 50% लिख लो, फर्क है क्या उसमें। मैंने आपको बताया भी था कि स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या एक सीवी पढ़ते हो ना, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दोनों में कोई फर्क है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और वो सीवी क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, वो परसेंटेज में निकाल देता है, वो पॉइंट्स में निकाल देता है, फर्क थोड़ी है मैथमेटिक्स में, 0.5 कह दो या 50%, 50% का मतलब 50/100 ही होता है, यही होता है ना। चलो चेक करवाऊं, चेक करो, बनाओ मशीन अकाउंट अपने माइंड में, बनाओ 1,00,000 की मशीन, 2 बैंक, बाय डेप्रिसिएशन 50% कितना, 50, कितनी बच गई, 50, फिर लगाओ 2 बैलेंस ब्रोट डाउन 50, बाय डेप्रिसिएशन 50% 25, कितनी बच गई, कबाड़ हो गया ना, मैच कर गया ना, स्क्रैप 25 ही बचेगी आपकी, यस। इस मेथड और इस मेथड के फॉर्मूले कैसे बने समझ आए,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते, जब एमसीक्यू आते थे तो इसके छोटे छोटे एमसीक्यू आते थे रेट निकालने के, अब नहीं, ट्रेंड नहीं है, रेट निकाल के ही दी होती है अपने को, लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए। चलो फिर भी अपन ने फॉर्मूले बने कैसे, अब आप में से कोई ये सोचेगा सर लाइफ अगर 4 साल होती 5 साल होती तो रेस टू पावर 1/5 तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये क्या बन जाता 1/5 लॉग 1/4 ऐसे करके लोग लेके फिर एंटी लोग लेके लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, वैसे आंसर आएगा। तो वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, मैंने तो नॉलेज के लिए बताया कि ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, समझ आई बात। चलो माइंड में आ गई ये पिक्चर, SLM और WDV मेथड कैसे काम करते हैं ये आपके माइंड में आ गई है पिक्चर। ओके चलो, इसके अलावा आपका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड क्या कहता है, टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लो, ये मेथड कहता है टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आता है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप, उसको किस रेशो में बांट दो, डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ रिवर्स नंबर्स अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ। ये क्या मेथड कहता है कि आपकी मान लो मशीन की कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, मशीन की कॉस्ट 1,00,000 रुपए, मैं कहता हूं एस्टिमेटेड स्क्रैप 10,000 है, तो अब बताना टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 90, और मैं कहता हूं कि उसकी जो लाइफ है ना, लाइफ 4 साल है, तो बस ये क्या कहता है, टोटल डेप्रिसिएशन ढूंढ लो और उसे किस रेशो में बांट दो, 4-3-2-1 में, यानी आप लिखो ईयर 1, 2, 3, 4, ठीक है, रेशो क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, ये रेशो, ये 10 रेशो, समझ आया, ईयर नहीं देखने, 4 साल लाइफ है तो उल्टी गिनती 4-3-2-1, 5 साल लाइफ होती तो क्या होता 5-4-3-2-1, 8 साल लाइफ होती तो 8-7-6-5-4-3-2-1, टोटल डेप्रिसिएशन को बस इस रेशो में बांट दो, डेप्रिसिएशन, और WDV बैलेंस WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट ईयर एंड, ये भी बता दो, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, तो देखना पहले साल का डेप्रिसिएशन बताओ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, पहले तो टोटल लगा लो 90,000 को किस रेशो में बांट दो, 90,000 को 4/10 कितना हो गया 36, मशीन काउंट बनाओ माइंड में मशीन काउंट बनाओ, प्लांट एंड मशीनरी काउंट में क्या करोगे आप, प्लांट एंड मशीनरी काउंट में 2 बैंक मशीन कितने की है बोलो, अक्सर लोग 90 की समझ लेते हैं, कहां है 90, 1,00,000 रुपए की है, आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया कितना 90,000 का 4/10 कितना 36, तो कितने की मशीन बच गई बोलो, कितने की बच गई 64, समझ आइए, अगले साल फिर मशीन कितने की है 64, अगले साल का फिर डेप्रिसिएशन लगाओ किस रेशो में, 90,000 का 3/10 कितना हो गया 27, ऐसे तो आप देखो यहां 64 कैसे बचा, 1,00,000 की मशीन में से 36,000 काटा तो कितने की बच गई 64 की, अगले साल देखो 90,000 का क्या करोगे आप 3/10 कितना 27, कितने की बच जाएगी 64-27 37,000, फिर आप लगाओगे 90,000 का 2/10 कितना 18,000, फिर आप क्या करोगे यहाँ 37-18 कितनी बचेगी 19,000, फिर आप लगाओगे 90,000 का 1/10 कितना 9,000, और कितने की मशीन बचेगी 19-9 10,000, चेक कर लो कबाड़ 10,000 का ही बचना चाहिए, आपकी स्क्रैप 10 है ठीक, और डेप्रिसिएशन हर साल का कितना आ गया वो दिख गया, बहुत ही आसान है, आप क्या करो कॉस्ट माइनस स्क्रैप कम करके क्या निकाल लो टोटल डेप्रिसिएशन, बस उसको क्या करना है टोटल डेप्रिसिएशन को आपने रेशियो में बांटना है, बोलो कोई भी डाउट, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास, क्या वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है, क्या वॉइस और बोर्ड की पिक्चर जो है वो क्वालिटी ठीक है यूट्यूब पे,
सही आ रही है क्या आवाज? सही आ रही है? बोर्ड भी सही दिख रहा है ना? कहीं तीन तीन प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, यूट्यूब भी, ऐप भी और फेस टू फेस भी। चलो हो जाएगा ये, बोलो कोई डाउट? समझा? बहुत ही सिंपल मेथड, उल्टी गिनती। अब इस मेथड का मतलब क्या है? ये मेथड कहता है जब शुरू में असेट महंगी होती है तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? ज्यादा। जैसे जैसे चीज की वैल्यू गिरती जाती है, वैल्यू ही कम होगी तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? कम। तो इसका मानना है लास्ट वाले साल में सबसे कम डेप्रिसिएशन होगा, उससे ऊपर वाले में डबल, उससे ऊपर वाले में ट्रिपल, उससे ऊपर वाले में फोर टाइम। इसका मानना यह है एक लीनियर रिलेशन में होता है डेप्रिसिएशन। वैसे प्रैक्टिकली थोड़ा सही नहीं लगता कैसे बराबर रिलेशन हो, लीनियर रिलेशन, पर चलो ये मेथड ऐसे बात करता है। समझ आ गया? ये मेथड बहुत ही सिंपल है। पहले तो खर्चे वर्चे जोड़ के एसेट की कॉस्ट बता दो, फिर उसमें एस्टिमेटेड स्क्रैप जो बताई होगी क्वेश्चन में है तो कम कर दो, नहीं तो जीरो। टोटल डेप्रिसिएशन को किस रेशियो में बांटना है? 5 साल लाइफ है तो 5, 4, 3, 2, 1, पहले साल सबसे ज्यादा, दूसरे साल कम, तीसरे साल कम, ऐसे। क्लियर? एक प्रोडक्शन मेथड भी है, प्रोडक्शन मेथड भी यही बातें करता है। देखना, प्रोडक्शन मेथड कह लो या मशीन आ रेट मेथड कह लो, एक ही बात है। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि एक मशीन कितने की? 1,00,000 रुपए की। स्क्रैप का आइडिया कितना? 10। कितना टोटल डेप्रिसिएशन? 90। हमें कह रहा है कि भाई एस्टीमेटेड प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ दैट मशीन, एस्टीमेटेड प्रोडक्शन लाइफ ये बता रहा है वो मशीन कितने साल चल देगी। आइडिया ईयर 1, 2, 3, 4 या 5 या 4 ईयर जो भी बताएगा, मैं 4 साल ही ले लेता हूं। कहता है जी आउटपुट यूनिट्स इतना इतना माल बना देगी, यहां कह रहा है वो माल बना देगी 30,000 यूनिट्स, यहां पे वो माल बना देगी मान लो चलो 20,000 यूनिट्स, यहां पे कह रहा है 10,000 यूनिट माल बना देगी, यहां पे 5,000 यूनिट, कितने हो गए? 35, यहां 10,000 यूनिट। टोटल माल कितना बना देगी वो मशीन बोलो? टोटल 45,000 यूनिट। तो आप इस रेशियो में डेप्रिसिएशन बांट दो, या फिर आप एक तरीका और है, डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैसे? टोटल डेप्रिसिएशन को आप किससे डिवाइड कर दो? टोटल एस्टीमेटेड प्रोडक्शन इन द लाइफ, इन लाइफ बाय मशीन, वो मशीन पूरी लाइफ में कितना प्रोडक्शन कर लेगी। 90,000 का टोटल डेप्रिसिएशन, कितना माल बना देगी वो मशीन? 45,000 यूनिट। तो कितने रुपए डेप्रिसिएशन? 2 रुपए पर यूनिट। तो आप 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 20,000 का ऐसे लगा लो, या फिर आप रेशियो बना लो, यही रेशियो बन जाएगा 20,000, 10,000, 5,000, 10,000, इस रेशियो में बांट दो। लो लगा के दिखाता हूं डेप्रिसिएशन, लो मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लो। डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन मेथड कितना रेशियो है? टोटल 45,000 यूनिट है ना, टोटल आप डेप्रिसिएशन लगाओ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 90। टोटल कितना माल बन जाएगा? 45,000 इंटू में इस साल कितना बना? 20,000। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया इस साल का? 40। मशीन की बची हुई वैल्यू बताना, मशीन की बची वैल्यू 60। 90 से नहीं कम करना, आप मशीन अकाउंट बनाओ ना माइंड में। टू बैंक कितने रुपए है? 1,00,000 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 40। कितने की मशीन बची? 60। अगले साल फिर लगाओ, अगले साल 90,000 टोटल डेप्रिसिएशन, कितना माल बना देगी? 45,000 इंटू में 10,000 यूनिट बनाया, कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 20। यहां कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा? 10। और यहां कितना हो जाएगा? 20। टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 90। एंड में कबाड़ कितना बच जाएगा? 10,000। बोलो कोई डाउट? सीधी बात है, इंटू टू कर लो, ये शॉर्टकट है। टोटल लाइफ उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेड है कितना माल बना देगी? 45,000 यूनिट। और कितना टोटल डेप्रिसिएशन? 90। डिवाइड करो, 2 रुपए पर यूनिट डेप्रिसिएशन है, कितना माल बनाया? 20,000 इंटू 2 रुपए, 40,000 हो गया, 20,000 हो गया, 10 हो गया, 20, ऐसे करो। नहीं तो फिर रेशियो बना लो, जो मैंने रेशियो बताया ये रेशियो है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। और कई जगह मशीन आर रेट मेथड कहता है, मशीन आर रेट मेथड का मतलब होता है, मशीन आर रेट मेथड का बस ये क्या दे देगा? घंटे दे देगा, आर ये यूनिट की जगह क्या दे देता है? वर्किंग लाइफ दे देता है। वर्किंग लाइफ किस में दे देता है? लो
आर में, मान लो ये इतने इतने घंटे मशीन चलेगी, ये कह रहा है कितने घंटे चलेगी 45,000, तो आप 45,000 घंटों से प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, एस्टीमेटेड वर्किंग है, वर्किंग आर, तो 45,000 आर। डेप्रिसिएशन क्या हो गया, 2 रुपए पर आर। इसमें क्या है, अब भी यही है, यूनिट की जगह आर हो गए बस, और क्या, नई चीज थोड़ी है ये, कोई आर हो गए बस, डेप्रिसिएशन वैसे ही आएगा। समझाया, प्रोडक्शन मेथड और सम ऑफ डिजिट मेथड और मशीन आर रेट मेथड तो कोई मेथड ही नहीं है, कुछ भी करने लायक ही नहीं। टोटल डेप्रिसिएशन को रेशो में बांटना है। सम ऑफ डिजिट वाला कहता है जी उल्टी गिनती कर लो, 5 साल लाइफ है तो 5,4,3,2,1, 6 साल लाइफ है तो 6,5,4,3,2,1। प्रोडक्शन मेथड और मशीन आर रेट एक ही बात करते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन को किस रेशो में बांट दो, या तो आउटपुट यूनिट्स में या फिर वर्किंग आर्स में, वैसे बस सिंपल। बोलो कोई डाउट, समझ आया? अब देखो ये स्टार्टिंग में तो इसकी बात करता है, स्ट्रेट लाइन WDV, अपन ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात की, ठीक है, मशीन आर रेट या प्रोडक्शन आर, जैसे आप देख सकते हो पेज नंबर जो है इसका 278 पे मशीन आर रेट बता रहा है, मशीन कितने की 30 लाख, लाइफ कितनी है टोटल 24,000 घंटे, कचरा कितने में बिकेगा 2 लाख, तो इसका मतलब 30 लाख की मशीन का कचरा, क्वेश्चन नंबर 6 to 78 पे क्या, 30 लाख माइनस 2 लाख का कचरा तो कितना हो गया, ये 28 लाख डेप्रिसिएशन, कितने आर चलेगी 24,000 घंटे। 24,000 बनाना कैसे बने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, आप ऐसे लिख लेना ना, इसे ईयर आप ऐसे लिख लेना चाहिए, 1, 2, 3 ऐसे लिख लो चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लिख लो, आर कितने कितने हैं बता दो अलग अलग, कितने कितने आर है, 3,000 घंटे 3,000 घंटे 3,000 घंटे, आगे 2600 घंटे 2600 घंटे 2600 घंटे, आगे 1800 1800 1800 1800, टोटल करना कितना हो गया, 9,000 7,800 1,600 8,800 और 7,200 24,000 हो गया। घंटे हो गए ना, बस अब आप डेप्रिसिएशन लगा लो, क्या दिक्कत है, 28 लाख लगाए हुए, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, आप कहोगे कि भाई 30 लाख की मशीन का कबाड़ कितने में बिकना है 2 लाख, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन बोलो कितना आ गया, 28 लाख, और वर्किंग लाइफ मशीन की कितनी है 24,000 घंटे, तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन बना लो ना पर आर, 28 लाख को किससे डिवाइड कर लो 24,000 घंटे से, तो कितना आ गया पर आर, क्या ऐसे कर लो, यही ना फिर रेशो में कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप, 20 को 116 से मल्टीप्लाई, या फिर 28 लाख को किससे डिवाइड करो 24,000 घंटे से इनटू इस साल के 3,000 घंटे, तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आप, जैसे मर्जी कर लो। समझ आया, बोलो कोई डाउट, नहीं पता लगा वो पूछ लो, क्या नहीं पता लगा, 30 लाख की मशीन 2 लाख में कबाड़ बिकेगा तो 28 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल लाइफ कितनी है 24,000 घंटे, पर आर डेप्रिसिएशन निकाल के 3,000 से मल्टीप्लाई करो, 2600 से करो, 1800 से आ जाएगा, या फिर आप रेशो वाले स्टाइल से कर लो, ये सारे रेशो हैं, तो क्या 28 लाख को 3,000 बटा में 24,000, 28 लाख इंटू 3,000 बटा में 24,000, वही प्रोडक्शन मेथड या मशीन आर रेट मेथड ऐसे ही काम करता है, वही कर रहा है 7th-8th क्वेश्चन में। चलो एनओटी मेथड एग्जाम से कट चुका है, इसलिए इसका कोई क्वेश्चन आए तो इसे सीरियसली मत करना, मतलब छोड़ दो, ये तो पहले मैंने नॉलेज के लिए बता दिया था, अब एग्जाम के वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं, यूजलेस है। अब ये मेथड चेंज करने को कहता है पेज नंबर 282 पे, चेंज कर लो, आगे से चेंज करना है, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ, आपको आगे से क्या करना है, ठीक करके चलना है, सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं 1,00,000 रुपए की मशीन थी, 10% SLM लगाते रहे 3 साल, चौथे साल 10% या 15% WDV लगाना चाहते हैं, करना क्वेश्चन, एक माइंड में सेट करो क्वेश्चन, यहां नहीं दिख रहा कुछ, 1,00,000 रुपए की मशीन 10% SLM लगाया, 3 साल लगाने के बाद चौथे साल से कंपनी डिसाइड टू शिफ्ट मेथड फ्रॉम SLM टू WDV एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो पहले तो 3 साल कौन सा लगाया, SLM, 1,00,000 रुपए पे 10% 10,000 90 रहेगी, फिर 10,000 80 रहेगी, फिर 10,000 70 रहेगी, अब लगाओ मेथड नए वाला, बस चौथे साल से कौन सा मेथड लगाना, WDV लगाओ, 70,000 का 15% WDV कितने का हो गया,
70,000 का 15% WDV, 10,500 कितने की रहेगी, 59,500, फिर उस पे लगाओ 15%। ऐसे यानी जो पास्ट में हुआ छोड़ो, आगे से मेथड कौन सा लगा लो, नए वाला लगा लो बस। ऐसी मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं चेंज इन मेथड का। देखो लाइफ बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, जो पास्ट में उसे नहीं छेड़ना। आगे से आपने लाइफ क्या है, नए वाले से क्वेश्चन कर देना है। जैसे देखो मैं कह रहा हूं आप एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे थे जिसकी वैल्यू थी 2,02,00,000, इस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आपने 10% WDV लगाया, या 1,00,000 की थी कितना 10,000 लगाया, कितना बैलेंस आ गया 90। ये वाला साल खत्म। अगले साल फिर लिखा आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, फिर लगाया इस पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन कितना 9,000, क्योंकि आपने 10% कौन सा लगाया WDV 90 पे, कितना बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 81,000 का बैलेंस बच गया। ये वाला साल खत्म, सही है। अब आप आगे चलो, यहां पे क्या गया 81,000। अब मुझे यहां पे डेप्रिसिएशन WDV लगाऊं तो कितना लगेगा, 10% WDV 8100 कितने की बच गई बाय बैलेंस कैरी डाउन 72,900। 3 साल बीत गए, चौथे साल आके मुझे कहता है नहीं अब हम डेप्रिसिएशन किससे लगाना चाहते हैं, SLM, और हमें कह रहा है SLM फोर्थ ईयर से WDV से शिफ्ट होके किस में आ रहा है SLM, और हमें कह रहा है टोटल लाइफ जो है वो मशीन की थी मान लो 7 ईयर और 3 ईयर ऑलरेडी पास, 3 साल चले गए तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड स्क्रैप कोई बता नहीं रहा, तो बस आप डेप्रिसिएशन चौथे साल में SLM कैसे लगाएंगे, जो पास्ट में हुआ भूल जाओ SLM लगाओ, कैसे 72,900। स्क्रैप का कोई आइडिया नहीं, अगर स्क्रैप बता दे तो मैं क्या करूंगा, 72,900 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर, पर यहां स्क्रैप कहता है ही नहीं तो बस ठीक है फिर। अगर मैं कह दूं स्क्रैप है, एस्टिमेटेड स्क्रैप जो है 2900 रुपए, तो फिर डेप्रिसिएशन SLM कैसे लगाओगे फोर्थ ईयर ऑनवर्ड, चौथे साल या उसके बाद कैसे लगाओगे, 72,900 माइनस 2900 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है 4 ईयर, तो 17,500। ऐसे तो आप 17,500 लगा देंगे अगर स्क्रैप है तो, एंड में स्क्रैप बच जाएगी 2900 रुपए, 17,500 लगा दो, फिर 17,500, फिर 17,500, फिर 17,500, एंड में 70 खत्म हो गए, 2900 बचे। यानी मैंने पास्ट में प्रवानी कौन सा मेथड लगा, नए पे नया लगा दिया। चेंज इन मेथड होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, याद रखना। आज की डेट में रेट्रोस्पेक्टिवली का सारा खेल खत्म हो गया है। आज भी +1 +2 की बुक्स कई जगह रेट्रोस्पेक्टिव लगा रही हैं, वो गलत लगा रही हैं, वो अभी सोए हुए बंदे हैं, जगेंगे तो ठीक करेंगे बुक्स को, गलत है वो, और वो अब से नहीं 2-3 साल से चेंज हो चुका है, और अभी भी बुक्स रेट्रोस्पेक्टिवली। आज की डेट में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली बदलेगा, पास्ट में जो हुआ उसको मत छेड़ो, वो तो बीत गया है, जो हुआ बात खत्म, आगे से सही डेप्रिसिएशन लगा के आप चलेंगे, सही है। रीवैल्यूएशन हो जाए तो नई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे मान लो ये 72,900 होगी, 10% WDV चल रहा है ना आपका, अब मुझे कहने लगा कि हमने असेट्स का रीवैल्यूएशन किया और इसकी वैल्यू 60 निकली, फोर्थ ईयर बिगिनिंग में रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो कहने लगा 60,000 है, तो आपकी बुक्स में तो कितना है 72,900, मेथड मुथड कुछ नहीं बदल रहा है, बस रीवैल्यूएशन किया है, तो रीवैल्यूएशन करेगा असेट बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, असेट घटेगी तो क्या होगी क्रेडिट कितनी 12,900, 60 पे लानी है तो क्या करो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,900, तो मशीन कितने की रहेगी बोलो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,900, मशीन 60 की रहेगी, मेथड मान लो वही चल रहा है साल के एंड में कौन सा 10% WDV, तो 60,000 पे कितना लगा दोगे 6,000, यानी वैल्यू बढ़ भी सकती है, वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा इफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू
रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, पीएनएल नहीं, कैपिटल वेंचर का फायदा है। तो बेस्ट है इसे कहां ले जाओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। रिवैल्यूशन रिजर्व पड़ा रहता है तब तक जब तक असेट कभी खत्म ना हो जाए, बेचना दो, क्योंकि बाय चांस कल को डाउन हुई तो नुकसान पीएनएल की बजाय कहां से ले लेंगे, रिवैल्यूशन रिजर्व। कल को असेट बेच दी तो रिवैल्यूशन रिजर्व पड़ा थोड़ी रहेगा, फिर ये कहां चला जाएगा, पीएनएल में। सही है, ये डिटेल नहीं है, एएस 10 की डिटेल है, ये इंटर में मिलेगी, बस ब्रीफ इतना। हाँ, अगर यहाँ वैल्यू बढ़ेगी घटने की बजाय, 72,900 की जगह हमें कह रहा है टू रिवैल्यूशन रिजर्व, तो ये वैल्यू 10 बढ़ा दी, ये एंट्री हटा दो 82, अब ये वैल्यू कितनी पे लगेगा, 82,900 पे लगेगा, 8,290 रुपये। यानी रिवैल्यूशन के बाद असेट गिरे या बढ़े तो डेप्रिसिएशन नई वैल्यू पे लगता है हमेशा। ठीक है, क्लियर। तो लाइफ चेंज हो या डेप्रिसिएशन का मेथड बदले या लाइफ, कई बार क्या होता है, सुनना, मेरे पास एक असेट है 1,00,000 रुपए की, अंदाजा है स्क्रैप 0, 5 साल लाइफ है, तो हम SLM लगा रहे हैं कितना कितना बताना, 1,00,000 रुपए की असेट है स्क्रैप 0, हर साल लगा रहे हैं 5 साल में 20-20, 2 साल लगाया 20-20, कितना रह गया 60। अब हमें कह रहा नहीं यार, रिमेनिंग लाइफ 3 नहीं बची, 2 ही बची है, दोबारा हिसाब लगा रहे हैं हम, और 3 साल नहीं 2 बची, तो आप 60,000 को 3 में ना उड़ाओ, किस में उड़ा दो, 2 सालों में, कितना कितना 30-30 उड़ा दो। यही एक तरीका है, यानी जब भी कोई कुछ चेंज हो, लाइफ बदले घटे, स्क्रैप बदले या मेथड बदले, ये कैसे बदलेगा, ये प्रोस्पेक्टिवली बदलेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। आगे से ठीक कर लो, पास्ट में 20-20 लगा ठीक था, अब डेप्रिसिएशन कौन सा लगाना है आपने आगे, 30-30 आगे से। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि इंटेंजिबल है, लाइफ स्टॉक पे क्योंकि उसकी नेचर फाइनल नहीं, और ये पेड़ पौधे जंगल इन चीजों पे भी नहीं क्योंकि तूफान आए गिर जाए और ना गिरे तो हजारों साल भी खड़े हैं, वो शायद महात्मा बुद्ध वाला पेड़ अब भी है ना गया जी में, जहां पे उन्होंने तपस्या की थी, मान लो हजारों साल भी टिके रहते हैं और कभी तूफान आए तो भरोसा नहीं है कब गिर जाए, तो इनकी लाइफ कोई अनसर्टेन होती है, पता नहीं लगता। चलो, फायदा नुकसान बेचने का कहां जाता है, पीएनएल, ये सब बातें हम जानते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम में हटा दिया है, लीज वाला टॉपिक इस नोट्स में से काट देना, प्रोविजन फॉर रिपेयर वाला क्वेश्चन भी चाहे काट देना, काम का नहीं है, है तो छोटा सा क्वेश्चन, हटा दिया उन्होंने। अब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि भैया जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्या चीज है, डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हैं आप, एक्यूमुलेट करते हैं ना कई बार, देखो क्या होता है, जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं और साइड बाय साइड क्या है, डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो, या फिर इसका नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे, कैश फ्लो में भी बनाते थे, प्लस टू में, नया नहीं कर रहे आप। चलो आप देखो, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट किस पे बनता है, फिर कॉस्ट पे, मान लो ये है और 10% WDV मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं और आपके अकाउंट चलते हैं 1 जनवरी to 31 दिसंबर, मान लो वो तो अप्रैल टू मार्च हो, ना लिखा जाए तो जनवरी टू दिसंबर से चला देते हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में काम करती है वो जनवरी टू दिसंबर चलती है, बाकी वैसे लोग अप्रैल टू मार्च बना लेते हैं। चलो क्या मैं कह रहा हूं, 2020 एक जनवरी 19 ले लो, 2019 एक जुलाई को आपने, एक जुलाई को टू बैंक करके आपने एक मशीन खरीद ली, एक जुलाई 2019 को 50,000 रुपए की एक मशीन खरीद ली, ठीक है, साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, ठीक है, फिर आपने 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीद ली, खरीदने के इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ये और खरीद ली, ये 30,000 की खरीद ली, 31 दिसंबर को बोल लो कितना बैलेंस बचेगा 2019 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, नंबर 1 50,000 की, नंबर 2 कितने की 30, अपना
टोटल वैल्यू कितना बचा 80, ये वाला साल खत्म कर दें, ये वाला साल खत्म हो गया 80 80, कॉस्ट तो 80 है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जब एक्यूमुलेट करते हैं ना तो डेप्रिसिएशन असेट में नहीं कटता, दो तरीके होते हैं। मान लो ये 50,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाना है अपने, डेप्रिसिएशन ऑन 50,000 कितना हो जाएगा, मान लो 2500 रुपए एट द रेट 10% पर annum 25 हो जाएगा ना, 6 महीने का जुलाई से दिसंबर। दो तरीके हैं, एक तो ये होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2500, और अगली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कहां जाएगा, पी एंड एल में, लॉस है खर्चा है। मशीन अकाउंट में से काट देते हैं, पहला मेथड तो ये होता है, जब आप एक्यूमुलेट नहीं करते तो आप डेप्रिसिएशन कहां से काट देते हैं, मशीन अकाउंट से काट देते हैं। ये देखो मशीन कितने की दिखेगी, 50,000 माइनस 2500 47,500, और ये अकाउंट नहीं बनेगा एक्यूमुलेटेड वाला, ऐसा होता है। लेकिन इसका दूसरा मेथड कब, व्हेन डेप्रिसिएशन इज एक्यूमुलेटेड, तो पी एंड एल में तो जाना है, पर असेट अकाउंट से नहीं कटता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500, वहां इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। पी एंड एल में तो खर्चे ने जाना ही जाना है, पी एंड एल में तो क्यों नहीं जाएगा, वो तो पी एंड एल में तो खर्चा है ही है, जाना ही जाना है। देखो दोनों तरीके माइंड में सेट कर लो, एक तो सेट में से ही काट देते हैं जो कि बड़ा सिंपल है, सेट काट काट के दिखाते रहते हैं। दूसरा मेथड कहता है सेट में से ना काटो, डेप्रिसिएशन को क्या कर लो, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता रहेगा, बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, जब तक मशीन पड़ी है तब तक डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा, पड़ेगा, जब मशीन बेच देंगे फिर डेप्रिसिएशन को संभाल के क्या करना है, फिर वो मशीन अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये काम अपने करके दिखाना है, क्लियर है बात। चलो तो ये वाली सिचुएशन माइंड में सेट कर लो, एक्यूमुलेटेड वाली, ये वाली तो बड़ी आसान है, माइंड में रहती है। लगाओ डेप्रिसिएशन पहले साल का, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाओ आप, कितना लगाओगे, ये 2019 31 दिसंबर को क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर वन वाली पे नंबर टू लगाओ, 50,000 का 10% 6 महीने का 2500, इस पे लगाओ 750 रुपए, इसको मैं चलो कितना 3250, ये साल खत्म 31 दिसंबर 2019 को, टू बैलेंस कैरी डाउन नंबर वन नंबर टू वाली पे कितना कितना 2500 और 750, कितना हो गया 3250, साल खत्म कर दूं, ये वाला टोटल नीचे लिख देना, खत्म ये वाला साल, अगले साल चले चले, अगले साल बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में कहोगे मशीनों का डेबिट बैलेंस 80 और डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट 3250। बैलेंस शीट कोई पूछे तो आप कैसे दिखाना, बैलेंस शीट के अंदर आप दिखाना प्लांट एंड मशीनरी 80 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 3250। देखने वाला समझता है कि WDV कितनी है, 76750 है, समझता है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसे समझ आती है ये कि ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काट के WDV ये है। अलग अलग मशीनों की अलग अलग बता सकते हो कि भाई 50 वाला माइनस 25 47,500, 30,000 माइनस 750 32 कितना हो गया, जो भी 29 समथिंग हो गया, सही है, बोलो कोई डाउट। अब मुझे कह रहा है यहाँ पे, चाहे इसको और आगे चला लो जितना मर्जी, पर अपन थोड़ा जल्दी निपटाते हैं इसको। तो ये क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर वन मशीन कितने की बड़ी है 50, नंबर टू मशीन कितने की बड़ी है 30, 80 की पड़ी है। मुझे कहने लगा कि साल के बीच में नंबर वन मशीन है ना जो 50 वाली बेच दी, कहता है एज ऑन, हमें कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 19 सोल्ड फॉर वो मशीन बेच दी हमने 32,000 रुपए में। कौन से वाली मशीन बेच दी, जो जुलाई 19 में खरीदी थी 50 वाली मशीन, कब बेच दी, अप्रैल में, कितने महीने यूज कर ली, 3 महीने यूज कर दी, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगाऊं, तो आप डेप्रिसिएशन का बैलेंस इधर लाओ, 1 जनवरी 2020 को क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
नंबर वन नंबर टू वाली पे 2500 और 750 कितना हो गया 3250 का डेप्रिसिएशन। अब कब बेची है? 1 अप्रैल 20 तक का तो डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन काउंट कौन से वाली मशीन, नंबर वन वाली, कितना लगेगा बोलो? डेप्रिसिएशन ऑन नंबर वन मशीन अप टू द डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल तक का तो लगाओ, 3 महीने हैं जो जनवरी से, तो WDV मेथड है याद रखना, 50,000 माइनस 2500, कितनी WDV है ये ना भूल जाना कि वो मशीन 50 SLM होता तो 50,000 पे लगाता, लेकिन WDV है तो क्या करो, 50 की मशीन है लेकिन उस पे 2500 का डेप्रिसिएशन भी तो लग चुका है, यानी फर्स्ट जनवरी 2020 को कितने की मशीन है, 47,500 की मशीन है फर्स्ट जनवरी 20 को, कब बेच दी, 1 अप्रैल 20 को, तो लगाओ 47,500 पे 10% पर annum, कितने महीने का, 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 8.7 करूं, चलो या कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 पैसे इधर उधर राउंड कर दो, 1187 का लगाऊं, क्या एंट्री करूं, बाय डेप्रिसिएशन 1187। अब आप एक बात बोलो, जो मशीन ही ना रही उसका डेप्रिसिएशन संभाल के रखेंगे आप, यहां से मशीन ही उड़ जानी है, कितने की बेची है मशीन बोलो, 1 अप्रैल 2020 को बाय बैंक ये मशीन कितने में बेच दी, नंबर वन वाली सेल कर दी आपने 32,000 रुपए में, ऐसे तो आपको लॉस 18 का लगेगा, आपको लगेगा 50 माइनस 32 18,000 रुपए का क्या है लॉस, 50 माइनस 32 क्या ये 18,000 का लॉस है, 18,000 का नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो आप ऐसा करो यहां 1 अप्रैल 2020 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या चीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, नंबर वन वाली पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना 2500 पहले है और 1187 फिर है, ना ना ये थोड़ी जो सारा थोड़ी बेची है, एक बेची है, सारी नहीं बेची, 2500 और क्या 3687, तो आप 3687 इधर क्या करेंगे 1420 को, इधर टू मशीन है, इधर क्या आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड कितने रुपए का 3687। एक बात बताओ ध्यान से, 50 वाली पे कितना डेप्रिसिएशन लगा था बताओ, बताओ WDV ऑन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी, 50 वाली पे पहले लगा 2500 फिर लगा कितना 1187, तो कितने की बच गई, वो आ गया ना क्रेडिट, तो 46,613 रुपये हो गए क्या, 50,000 माइनस 3687 ओके, सोल्ड फॉर कितने में बेच दी, बड़ी कम बेच दी आपने तो 32,000 में बेच दी, तो लॉस कितना आ गया ये 14613, ये 313 है 31, ये दोनों ही होंगे ना फिर 313 तो 313 14313 का क्या गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, क्योंकि ये कितने की बेच दी 50 में से 3687 कम करूं तो कितने वाली बनती है, ये बनती है 46313 और आपने बेच दी कितने में 32, तो P&L में डेबिट में जाएगा ये लॉस कितने रुपए 313। मशीन एक का खेल खत्म हो चुका है, सही है, मशीन वन का खेल खत्म, कोई डाउट, चलो लेकिन मुझे कह रहा है यहाँ एक और मशीन खरीदी है, कह रहा है 1 मई 2020 को टू बैंक करके नंबर 3 नाम दे दो, एक मशीन और खरीदी है कितने की, कहता है खर्चे जोड़ के 20 की, चलो तो आप बताओ साल के एंड में कोई और एंट्री है ना, 31 सितंबर 20 को कौन कौन सी मशीनें बची पड़ी हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन कौन सी, नंबर 2 और नंबर 3 बची पड़ी हैं, 1 तो गई, ये कोस्ट 30 की पड़ी है, इसकी कोस्ट 20 पड़ी है, टोटल मशीनें कितने की पड़ी है, कोस्ट 50 वाली, टोटल करो तो इधर का कितना 1 लाख, इधर का टोटल भी कितना आएगा 1 लाख, समझ आया ये,
अब देखो अभी खत्म नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाने हैं अभी, अभी साल के एंड में पहुंच जाओ, डेप्रिसिएशन लगाएं 31 दिसंबर 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेथड क्या है, 10% WDV। नंबर टू वाली पे कितना लगेगा, नंबर टू 30 की थी, 30 में से डेप्रिसिएशन 750 काट के 30,000 माइनस 750, इस पे लगेगा 10%, तो कितना लगेगा 2925। नंबर थ्री अभी भी खरीदी 20,000 की मशीन, 10% पर अनम 7 महीने का डेप्रिसिएशन, 8 क्यों हो गए, क्योंकि फर्स्ट मई है तो अभी पूरा मई पड़ा है, 4 महीने गए, 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना 1333। चलो जोड़ो 2925 और 1333 जोड़ो 58। चलो अब आप इसका टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, यहाँ पे मैं 31 दिसंबर 20 को यहाँ बैलेंस लिखने की तैयारी करता हूँ, 2 बैलेंस कैरी डाउन, नंबर 1 नंबर 2, बताना ये इस साइड का टोटल 8695। ओके आप देखो ये कम करके, नंबर 1 का बताओ पहले 2500 था और कितना लगा दिया आपने 2925, तो कितना हो गया टोटल 5425। नंबर 2 वाली पे तो अभी अभी लगाया 1333, कितना आ गया ये 2500 नहीं है, यस यस 750 है, कितना 750 पुराना है और 2925 लगा, तो कितना हो गया 75। करो टोटल, टोटल मैच कर रहा है ना, देख लो टोटल मैच कर रहा है, इस तरह से ये कितना ही बढ़ाता जाए, आप नंबर वाइज चलो, खरीदी नंबर देते जाओ, नंबर 1 2 3 ऐसे, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी अलग अलग चलता रहेगा, बेचोगे तो उससे अलग अलग रहेगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से, अगर डेप्रिसिएशन में क्यूमुलेटेड बनवा ले, थोड़ा लेंथी हो जाता है ना उससे, और गलती होने के चांस WDV में होते हैं, क्योंकि इसमें असेट की बची हुई वैल्यू नहीं दिख रही होती, बनानी पड़ती है, जबकि अगर ये एक्यूमुलेटेड ना करता, सीधा सेट अकाउंट में से ही काटता, फिर बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, क्यों वो बैलेंस दिख रहा होता है कि इतने पे लगाना है डेप्रिसिएशन, इसमें आपको कॉस्ट वहां से पता लगेगी, क्यूमुलेटेड यहां से, फिर जाके कहीं आप डेप्रिसिएशन लगा पाओगे, ये चक्कर होता है, समझ आया ये, बोलोगे डाउट। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन करो जितने होते हैं, जहां जहां एनुटी आ रहा है, वर्ड रिपेयर एंड रिनल प्रोविजन आ रहा है, वो छोड़ देना, क्योंकि वो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते थे, अब सब्जेक्टिव में हटा दिए गए हैं सिलेबस में से, लीज अकाउंट बना रहा है ना, एनुटी मेथड से हट गया वो सिलेबस से। इसमें एक 7th क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप देखो जितने हो, बाकी आप पकड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं इसको, एक क्लास और लगाते हैं इसकी, फिर होएगा।